वहीं लखनऊ में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सैकड़ों कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अंबेडकर पार्क के पास रैली निकाली, जहां डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि अटेवा के बैनर तले रन फॉर ओपीएस कर रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। पुरानी पेंशन हमारा हक है और राज्य सरकार का दायित्व है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। वहीं कर्मचारियों ने चुनाव में वोट फॉर ओपीएस करने की बात कही। लखनऊ से संवाददाता रोहित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यही सरकार से यही कहना चाहूंगी कि जब वो खुद दो दो चार चार पेंशन ले सकते हैं, सांसद विधायक नेता एक घंटे के लिए भी चुने गए अगर तो पूरी जिंदगी पेंशन लेते हैं, वो भी पुरानी पेंशन, तो हम एक पेंशन पूरी जिंदगी नौकरी करके एक पेंशन के हकदार नहीं है क्या? हमें पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? हम यही बात लेकर यहाँ आए हुए हैं। सरकार से यही उम्मीद लगाते हैं कि वो हमारी बात समझें और हमें पुरानी पेंशन का हक दें। हम ये कहना चाहते हैं कि अब विजय बंधु जी के नेतृत्व में एनएमओपीएस अटेवा ने पूरे देश में वो अलग जगा दी है, वो क्रांति पैदा कर दी है कि अब पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाल होने से कोई नहीं रोक सकता। और उसका ताजा उदाहरण आपने देखा है, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने इतिहास रच दिया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम पेंशन नहीं देंगे, कर्मचारियों ने तख्ता पलट दिया और जो पेंशन वाली सरकार थी उसको सत्ता में बैठाया और जो पेंशन न देने वाली सरकार थी उसको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। मैं यहाँ पर रन फॉर ओपीएस हमारे आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के उद्घोषण पर हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए। पूरे प्रदेश से सारी महिलाएं आई हैं, सारे भाई, सारी बहन, सारे कर्मचारी, शिक्षक के अलावा भी अन्य कर्मचारीगण भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं अपनी पुरानी पेंशन की मांग रखने के लिए, क्योंकि हमारी पुरानी पेंशन हमारे बुढ़ापे का सहारा है। लेकिन ये कोई नहीं समझ रहा है। विधायकों को, सांसदों को चार चार पेंशन दी जाती है, अर्धसैनिक बलों को, कर्मचारियों को, किसी को कोई पेंशन नहीं दी जा रही है।